Hello students, today we will discuss the topic of rubrics. This is in unit 3, assessment and evaluation in social studies education, and the title is rubrics, as I told you. So rubrics samjhane ke liye I'll be trilingual with you. I'll use 3 languages so that all the medium students can benefit. पहले हम इसका डेरिवेटिव मीनिंग जिहड़ा शाब्दिक अर्थ है उहदे बारे गल करांगे. द वर्ड रूब्रिक इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स रेड. द ऑनलाइन मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी दे हैव गिवन 2 मीनिंग्स ऑफ रूब्रिक्स विच आर कंसर्न्ड विद आर पेडागॉजी. वन इज दैट इट इज एन अथॉरिटेटिव रूल एंड द अदर मीनिंग इज दैट इट इज अ गाइड लिस्टिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग और स्कोरिंग एकेडेमिक पेपर्स प्रोजेक्ट्स और टेस्ट. नाउ लेट मी मेक इट अ लिटल सिंपलर फॉर यू. रूब्रिक्स बेसिकली है क्या, यू नो व्हेन वी गिव यू असाइनमेंट्स एंड यू नो वी गिव यू ग्रेड्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल एन असाइनमेंट कैन गेट अ ग्रेड ए एंड सम अदर असाइनमेंट ऑन द सेम टॉपिक may be graded B or C and so on. So why an assignment got an A grade or why it got B or C, that means there was a criteria pre-decided by the evaluator or the teacher that if the assessment it satisfies a certain set of criteria, it will get grade A. For example, agar wo assignment bahut neatly prepared hai, उसमें बहुत सारी इनोवेटिव बातें जो हैं वो दी गई हैं और असाइनमेंट जो है वो टाइम पे सबमिट की गई है और उसमें कुछ इलस्ट्रेटिव डायग्राम्स या पिक्चर्स लगाए गए हैं, तो उसको ए ग्रेड दिया जाएगा. अगर असाइनमेंट उतनी ज्यादा नीटली प्रिपेयर्ड नहीं है एंड ऑलमोस्ट टाइम पे सबमिटेड है, कुछ इनोवेटिव बातें उसमें डाली गई हैं, तो उसको बी ग्रेड मिलेगा. सो जैसे जैसे ये क्राइटेरिया असाइनमेंट में कम होते जाएंगे, कौन से क्राइटेरिया, कि वो कितनी अच्छे से नीटली प्रिपेयर्ड है, उसमें कितनी इनोवेटिव बातें जो हैं वो डाली गई हैं, वो कितने टाइम पे सबमिट, टाइम अगर आपने टाइम रेंज दिया है कितने टाइम पे सबमिट की गई है, अगर ऐसे कुछ क्राइटेरिया टीचर ने पहले से डिसाइड किए हैं और वो पूरे हो रहे हैं, किस डिग्री तक पूरे हो रहे हैं उसके हिसाब से हम उसको ए बी सी डी ग्रेड या स्कोर. फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 10 आई कैन गिव 10 ऑन 10, 8 ऑन 10, 9 ऑन 10 एंड सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आई हैव डिसाइडेड अर्लियर, या हम परसेंटेजेस भी दे सकते हैं. सो इस तरीके दे नाल अगर असी असाइनमेंट की गल करते हैं तो असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट वर्क अगर वो किसी प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया के हिसाब दे नाल स्कोर या ग्रेड किया जाता है तो असी उस क्राइटेरियन नू रूब्रिक्स कहते हैं. सो दैट इज वाई इट हैज बीन पुट इन योर यूनिट 3 असैसमेंट एंड इवैल्यूएशन. बेसिकली इट्स नॉट अ डायरेक्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, इट इज जनरली अ डिस्क्रिप्टिव वे ऑफ डिफाइनिंग सम वर्क and the quality being assessed in that work. Now if I define a rubric, properly defining it would be a coherent set of criteria. For example, I mentioned 4 criteria just now. The coherent set of criteria means those criteria, like for example neatly prepared, having innovative things, timely submitted and having illustrations. Now I've described 4 things in the assignment and all these 4 things should be coherent, they should match each other, and then they'll be able to describe an assignment or any work for that matter. A rubric is a coherent set of criteria for students' work that includes descriptions of levels of performance. For example, अगर उसमें 6 पॉइंट्स इनोवेटिव हैं तो ए ग्रेड, अगर 5 पॉइंट्स इनोवेटिव हैं तो बी ग्रेड, अगर 4 पॉइंट्स इनोवेटिव हैं तो सी ग्रेड, और अगर असाइनमेंट में कोई भी पॉइंट इनोवेटिव नहीं है तो उसको डी ग्रेड देना है. सो व्हाट डज दैट मीन, वी आर डिस्क्राइबिंग द लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस. सुनने को ये सिंपल लगता है बट व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर अ रूब्रिक फॉर एनी वर्क ऑफ द स्टूडेंट describing his performance, it would take some time. Now what is the purpose of the rubric? Now rubric, it can be used either to judge the process of making a assignment or a project, it can also be used to judge the product itself. For
For example, if a student is doing some experiment or he is making a project or he is preparing a three-dimensional model, आपने बच्चों को कह दिया कि भाखड़ा नंगल डैम का मॉडल जो वर्किंग मॉडल है वो सबने प्रिपेयर करना है. अगर उस केस में आप बच्चों के बनाने की प्रक्रिया को, वो कैसे बना रहे हैं प्रोजेक्ट, उसको जज करते हो तो वो प्रोसेस है रूब्रिक्स का. और अगर आप बने हुए मॉडल को जज कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट है. सो रूब्रिक्स जो है वो दो तरह की परफॉर्मेंस को जज करता है, इधर इट जज द प्रोसेस और इट जजेस द प्रोडक्ट. आई जस्ट गिव फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेस में इंक्लूड द फिजिकल स्किल. For example, if somebody knows how to play a harmonium, in that case, playing a harmonium can be judged while the student is playing that instrument. So that is a process. And product would be, I just told you, you tell the students to make an assignment or a project, and the final product you are judging at that time, it would be the product being considered under the rubric. So two purposes being solved, either judging the product or the process. Us to baad assi gal karange types of rubrics di. Rubrics jede ne o char tarah de ho sakde ne. E char tarah de rubrics kede ne, note kariya hoega tusi apne, thonu main assignment ditti hai. I hope tusi assignment read vi kar chuke ho. E ho sakde, either they can be analytic rubrics, they can be holistic, they can be general, or they can be task specific. So rubrics jede ne oh four types in there. There are four types. They can be analytic rubric, as the name tells, vishleshan ke liye rubric banaya gaya hai. Vishleshan yani aapne koi kaam kiya hai aur us kaam ko hum parts mein baant sakte hain. Ye waisa rubric hai jo har part ko separately judge karega. Analytic rubric, it describes work on each criterion separately, focusing on the criteria one at a time. And it is generally used for, you know, something being constructed. So process jo hai usko dekhne ke liye hum isko kar sakte hain, aur isko hamesha formative evaluation ke liye use karte hain. Formative, as you know, when the behavior is being formed, formative. So us waqt hum jo rubric use karte hain wo analytic hai. For example, you're teaching, okay, I'll take a daily life example. You're learning how to drive a car. Now driving a car would include so many operations, like how to use the accelerator, how to use the brake, how to use the gear stick and all that. So if I'm judging you on each every component separately, I'll be considering an analytic rubric for that purpose, and different aspects of the work would be judged at that time. Now what about the holistic rubric? As the name tells, the whole work will be judged at the time. Holistic, whole, पूरे को हम एक टाइम में जज करते हैं, इस करके इस रूब्रिक नो असी होलिस्टिक रूब्रिक्स कहने हैं. एदे विच असी पूरे दे पूरे कम नो जज करांगे, बजाए कि असी एक एक पार्ट नो जज करिए. सम टोटल जिड़ा है किसे काम दा, उनु असी देख दे हैं. सो प्रोडक्ट्स नो जनरली असी होलिस्टिक रूब्रिक्स नाल इवैल्यूएट करते हैं या जज करते हैं. और इनु असी जनरली समेटिव इवैल्यूएशन, दैट इज एंड ऑफ द ईयर इवैल्यूएशन वास्ते, जो किसी स्टूडेंट के इंटायर काम नु तुसी कंसीडर करना है, जिवें उहदे सारे साल का बिहेवियर हो गया, उहदी पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज होगी, टाइमली सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स हो गया, सारे कामों का सम टोटल तुसी लगाना है, देन यू कैन कंसीडर अ होलिस्टिक रूब्रिक. द नेक्स्ट टाइप इज द जनरल रूब्रिक. Now, what is general rubrics? In general rubrics, you can consider evaluating students on a basis of a criteria which can be used repeatedly for the same type of tasks. For example, if say you get an assignment for social studies, और आपको assignment जो है वो school management में भी मिल रही है, guidance and counseling में भी मिल रही है, और सारे teachers पहले ही decide कर लेते हैं कि हम असाइनमेंट को जज करने के लिए कौन सा मापदंड जो है वो अपनाएंगे. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, असाइनमेंट क्या वो टाइम पे सबमिट हो रही है, क्या उसमें कुछ नई बातें या बहुत कुछ नई बातें ऐड की गई हैं, क्या उसमें कुछ इलस्ट्रेटिव चीजें जैसे डायग्राम्स वगैरह यूज किए गए हैं. सो ऐसा क्राइटेरिया सारे टीचर्स बैठ के डिसाइड कर लेते हैं, और ग्रेडिंग ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस डिसाइड कर लेते हैं. ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਰਲ ਰੂਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਬ੍ਰਿਕਸ.
General rubrics use criteria and descriptions of performance that are generalized across different tasks. The criteria point is the learning outcome and the descriptions of performance are general. So students learn general qualities and not isolated ones. So this is general rubrics. Now what is the fourth type? It is the task specific. Again, it's opposite. Now remember this thing, analytic was opposite to holistic and general rubrics is opposite to task specific. If I have to simply tell you what is a task specific rubric, consider any question paper. Now the scoring key or the answer key of that question paper is a task specific rubrics. For example, we have prepared a question paper for social studies or for that matter any subject, and the teachers have been given an answer key. Like for the question number 1, this is the answer. Question number 2, this is the answer. That answer key is the task specific rubric. Task specific rubric, so for every task there is a particular answer which has to be given, and task specific rubrics are basically the answer keys to any assignment or project. So all the answers to that particular problem which have been given will be present in the task specific rubric. There are certain advantages and disadvantages of these four types. Now what are the advantages, what are the disadvantages? Now the hard copies of the notes for rubrics which I have given you presents a tabular form to tell you what are the advantages and what are the disadvantages. Let me discuss a few. For example, an analytic rubric. Now analytic rubric, what is the advantages? It gives diagnostic information to the teacher because you know you are judging every part separately. Now for example, in any task there are 5 steps and you are judging all the 5 steps individually. If the student is not able to do any one step, you'll diagnose his weakness. For example, let me take an example. For example, you've taught student how to mark a map, and in marking a map what he does, he is generally confused about the directions. Now when you give a task and you divide it into steps like map marking, and you come to know that student gets confused in directions, so you have diagnosed his weakness and you can remove the weakness after that. So this is the advantage. Another advantage is it gives a formative feedback to the students as well as to the teachers, so that they know their deficiencies. And it is very easy to link it to the instructions. Like for example, it is just like specific objectives you make. Objective number 1, you try to judge it, the objective number 1, and you come to know if the student is answering properly, objective 1 is G. Then next objective, third objective. So as many rubrics as you prepare, they will be linked to the instructions. So teacher knows what I have to evaluate later on. So she gives directions or instructions according to those rubrics. जो भी तुसी बाद चो बच्चे दा असेस करना है, स्टूडेंट दा असेस करना है, उसे हिसाब नाल तुसी इंस्ट्रक्शंस दिंदे हो। सो अगर मैं बच्चे नू 5 कंपोनेंट्स सिखा रही हां, तां 5 कंपोनेंट्स नू मैं बाद चो जज कर रही हां। सो इंस्ट्रक्शंस ते इवैल्यूएशन आपस च जुड़ जांदे ने ड्यू टू एनालिटिक रूब्रिक्स। अगर असी होलिस्टिक रूब्रिक्स दी गल करिए, होलिस्टिक रूब्रिक्स दे विच ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਰੂਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੱਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਟੂਲ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਨਰਲ ਰੂਬ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੇਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਨਰਲ ਰੂਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਟੈਲ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਜੱਜਡ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਐਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰ ਦੀਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ। ਇਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਯੂ ਗੈਟ ਐਨ ਏ ਗ੍ਰੇਡ। ਇਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਲੈਵਲ ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਐਂਡ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਰਿਮੈਂਬਰ, ਇਨ ਆਲ ਦ ਰੂਬ੍ਰਿਕਸ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਲਿਬਰਟੀ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਵੈਦਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਕੀਪ 4 ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਔਰ 3 ਏ ਬੀ ਸੀ ਔਰ ਈਵਨ 5 ਲੈਵਲਸ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਈ। So the maker of the rubric can decide how many levels of performances are permissible. So that is I was talking about general rubrics. Then task specific rubrics, the advantage is that the teacher can use these task specific rubrics to judge or score the answer papers,
and they would require less times because basically the rubric is answer to the questions. So they will require very less time to judge, and the inter-rater reliability is very high. For example, if I am checking a question paper and I have been given a task specific rubrics, 10 questions, 10 answers, and those 10 answers are to be given marks. So if I check or some other teacher checks, the results are going to remain the same. Hence, inter-rater reliability is very high. So we have discussed till now the definition or concept of rubrics. We have talked about the different purposes a rubric fulfills. For example, it can judge the process and the product, and the four types of rubrics. Now, what is the importance of these rubrics? We'll be discussing later on in the next video. I'll talk about the importance of the rubrics and how we can prepare the rubrics. Thank you so much, students. ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਹੋਪ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਈਸ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸੇਫ ਇਨ ਫੈਕਟ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਸਟੇ ਐਟ ਯੋਰ ਹੋਮ ਬਾਏ